नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में जानेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है 5 अक्टूबर को आप सभी लोगों को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो बात आती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पैसे की, तो बहुत सारे लोगों को पिछली बार भी पैसा नहीं मिला था और जो है यहाँ पर बहुत सारे लोगों का पैसा जो है रुक चुका था। जिनको जो है पैसा रेगुलर मिल रहा है उनको तो मिल रहा है, लेकिन दोस्तों जिनको जो है पैसा नहीं मिल रहा है उनको नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए दोस्तों कैंप भी लगाया गया था और जो कैंप लगा गाँव गाँव में पंचायत पंचायत में लगाया गया था और आपके जो समस्या का निराकरण किया गया था। लेकिन बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका जो है निराकरण नहीं हो पाया है। तो आपका निराकरण हुआ है या नहीं हुआ है, आपको इस बार पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाले हैं आपको क्या क्या चेक करना है, कौन कौन सी जो है आपको चेक करना है, क्या क्या चेक करना पड़ेगा और चेक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, तो पैसा मिलेगा क्या नहीं दिखेगा, तो पैसा नहीं मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बतलाने वाले हैं। वीडियो को आप जो है कंप्लीट जरूर देखिएगा और कंप्लीट देखने के साथ साथ दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर जो है 5 अक्टूबर को आपके खाते में जाने वाला है। यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा है 18 इंस्टॉलमेंट, जो 18 इंस्टॉलमेंट के तहत जो है आप लोगों को पैसा जो है 5 अक्टूबर को जाने वाला है। ठीक है, मतलब जो है 5 अक्टूबर को आपको 18 इंस्टॉलमेंट के तहत जो है अक्टूबर को मिलने वाला है 2000 रुपए का किस्त। लेकिन बहुत सारे लोगों को 18 इंस्टॉलमेंट तो बोल रहे हैं, लेकिन किसी को 5वां मिल रहा है, किसी को 6वां मिल रहा है, किसी को 7वां मिल रहा है, किसी को 10वां मिल रहा है, किसी को 14वां मिल रहा है, किसी को 13वां मिल रहा है। तो आपको एक ही किस्त मिलेगा, मतलब जो है यहाँ पर बता दें कि आपको एक ही किस्त मिलेगा, लेकिन दोस्तों 18वीं किस्त यहाँ पर जारी होगा उसमें जो है आप लोग 14 किस्त मिल सकता है या 15वां किस्त मिल सकता है या आपको दूसरा किस्त मिल सकता है या पहला भी किस्त मिल सकता है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को 2000 रुपए का किस्त मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो उनका जो शुरू से रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको जो है यहाँ पर शुरू से रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको जो है यहाँ पर कितना हो गया 18 इंस्टॉलमेंट उनको जारी होगा। ठीक है, मतलब शुरू से जो रजिस्ट्रेशन हुआ है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या चेक करना है और जो है कौन कौन से चेक करना है। सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के जस्ट बाद दोस्तों ये सबसे पहले तो चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर चेक क्या करना है, pmkisan.gov.in लिखकर सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर नो स्टेटस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के जस्ट बाद दोस्तों यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के साथ साथ यहाँ पर कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चे को फिल करना है। गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालकर सबमिट करना है तो आपका जो स्टेटस है वो शो हो जाएगा। कुछ इस प्रकार दिखा देता है, एक बार जो स्टेटस यहाँ पर देख रहे हो सेम स्टेटस आपको भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आप लोगों को जो है बता रहे दोस्तों यहाँ पर अगर आपका केवाईसी हो गया होगा तो यहाँ पर यस दिखाई देगा, अगर आपका लैंड शेडिंग हो गया होगा तो यहाँ पर यस दिखाई देगा। मतलब जो है खनाती जो है लैंड शेडिंग मतलब आपका जमीन का जो है ऑनलाइन होना। ठीक है, यहाँ पर जो आधार शेडिंग यहाँ पर बैंक अकाउंट शेडिंग हो गया होगा तो यहाँ पर यस दिखाई देगा। ठीक है, अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पर कुछ गड़बड़ी लगता है कोई भी किसी में, तो आपका पैसा रुक सकता है। इसको आपको चेक सबसे पहले तो कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे आ जाएंगे, नीचे में आएंगे यहाँ पर देखेंगे, जैसे नीचे में आपको यहाँ पर दिखने का प्रोसीड का बटन यहाँ पर देखेंगे, एफटीओ प्रोसीड यहाँ पर नो लिख के आ रहा है। ये जो है एक दो दिन में आपको यस हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है इसके लिए। ठीक है, एफटीओ प्रोसीड नो लिख के आ रहा है, दिक्कत वाली बात नहीं, यस हो जाएगा। यस होने के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो आरएफटी साइन दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं आरएफटी साइन यहाँ पर 14वां इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यहाँ पर आरएफटी साइन यहाँ पर जो है आरएफटी साइन बता रहा है, तो आपका बता रहा होगा अप्रूवल बाय स्टेट बाय, इस प्रकार से लिखा होगा। ठीक है, वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, इस प्रकार से लिखा होगा। ठीक है, तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं, आपको पैसा मिलेगा। लेकिन दोस्तों किनको पैसा नहीं मिलेगा, चलिए बता देते हैं पैसा किनको नहीं मिलेगा। देखिए पैसा जो सभी को मिलने वाला है तो किनको पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पर अलग स्टेटस होगा। चलिए बता दें किस प्रकार स्टेटस होगा, जो यहाँ पर प्रोसीड यस था मतलब जो है नो था, तो यहाँ पर कुछ दिन में यहाँ पर यस हो जाएगा, इस प्रकार से दिखने को मिल जाएगा, एक दो दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आरएफटी साइन बाय स्टेट फॉर 14 इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा, रिजन में यहाँ पर खाली हो जाएगा और यहाँ पर पेमेंट मोड आधार हो जाएगा और यहाँ पर जो है यूटीआर नंबर वगैरह वाला, जब पैसा आएगा तो यहाँ पर सब कुछ फिल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर जो एफटीओ प्रोसीड यस हो चुका है, दिक्कत वाली बात नहीं, इनको पैसा मिलेगा। किनको पैसा नहीं मिलेगा आगे वीडियो में बताएंगे। पैसे की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना पैसे की बात हो रही है, तो यहाँ पर एफटीओ प्रोसीड नो लिख के आ रहा है, वहां पर भी नो लिख के शुरू में नो लिख के आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर एफटीओ प्रोसीड नो लिख के आ रहा है, लेकिन दोस्तों इनको देखिए यहाँ पर 6 इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉपेड बाय स्टेट रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है आप लोगों को सामने दिखा दो, इनको जो है पैसा नहीं मिलेगा, इस प्रकार से शो कर रहा है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। चाहे आपका केवाईसी कंप्लीट हो चुका होगा या लैंड शेडिंग कंप्लीट हो चुका होगा या आपका
आधार शेडिंग कंप्लीट हो चुका होगा, तीनों में जो है कंप्लीट हो चुका होगा, फिर भी इस प्रकार से शो कर रहा है, जैसे कि दोस्तों यहां पर नजर आ रहा होगा इस प्रकार से आपका शो कर रहा है, तो आपको 101% पैसा नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा, देखिए पैसा को कहां से रोका गया है, देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है, 6 इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मतलब जो है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से आपका पैसा को जो है रोका गया है, आपको पैसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करना है, देखिए अगर आप मतलब किसान है, अब पात्र किसान है और आपका पैसा को रोक दिया गया है, तो इसके लिए हम जो है अभी तो आपको किस्त नहीं मिलेगा, 101% किस्त नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों आप लोग बता दें इसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है वीडियो बनाया हुआ है, पैसा अगर किसी भी कारण से रुक जाता है, आपका पैसा नहीं मिल रहा है, अभी भी आपका स्टेटस शो कर रहा है, तो अभी से काम चालू करो, जो वीडियो मैंने बताया है वो वीडियो देख लीजिए, उस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो है एक बार जो है कंप्लेन रजिस्टर कराइए, और ये कंप्लेन रजिस्टर कराएंगे तो 101% आपको जो है आने वाला किस्त, अभी तो आपको किस्त नहीं मिलेगा, आने वाला किस्त में जितना भी किस्त रुका होगा सारा का सारा किस्त आने वाला किस्त में आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्या बताया कि किनको पैसा मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, जो मिलने वाला किस्त है उसके बारे में बताया, जो नहीं मिलने वाला किस्त है उसके बारे में बताया। तो जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, तमाम दोस्तों साथ शेयर करना, अगर मन में भी कोई सवाल हो रहा हो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो।